एवरीवन ऑन माय चैनल मॉर्निंग बज़। सो आज का जो ब्लॉग है वो है व्हाट्स इन माय डब्बा। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। सो आई वुड नॉट से प्रॉपरली लंच बिकॉज वो मैं ऑफिस जाके कर लेती हूँ। आई वुड से आफ्टरनून स्नैक्स बिकॉज जब भी मैं काम पे बैठती हूँ ना, पता नहीं क्या क्रेविंग होती है कुछ स्पाइसी, कुछ टैंगी ऐसा खाने की। मुझे बस लगता है कि कोई लेट्स गो टू कैफेटेरिया, कुछ खाऊँ, लेकिन बार बार मैं ये कर नहीं सकती। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, सो लेट्स सी व्हाट्स इन आवर मेन्यू टुडे। हम बना रहे हैं चिकपी एंड पनीर सैलेड, और इसको बनाना नहीं है, इसको बस कट करके ककुम्बर एंड कैरेट सैलेड लेके जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज़ ब्लॉग, बिकॉज एक घंटे में मेरी कैब भी है एंड आई हैव टू प्रिपेयर दिस, आई हैव टू टेक शावर, आई हैव टू गेट रेडी एंड देन मुझे काम पे जाना है। ओके गाइस, चलिए फटाफट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चिकपीस को मैंने रात में सोक कर दिया था, नाउ लेट्स बॉइल इट। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा और स्वाद चाहिए इसमें तो बहुत है। अब इसे फटाफट, इन द मीन टाइम जब तक हमारा चिकपीस बॉईल हो रहा है, लेट्स कट आवर वेजीज। मेरे रोने का वक्त आ गया है, चलिए गाइस रोते हैं। हमेशा पता नहीं इतनी सारी चीजें इस चाकू से कट जाती है, लेकिन जब भी मैं टमाटर काटने जाती हूँ ना, ये पता नहीं चाकू कभी काम नहीं आता। बस कुछ ही देर और हमारा टेस्टी लंच स्नैक रेडी। डालेंगे और सबसे पहले हम करेंगे पनीर फ्राई। तुम्हें जाना रहा, तुम पकोगी नहीं, आगे जा पाओगे। Let me show you my chef skills. और हमारा पनीर हो गया है गोल्डन ब्राउन, तो फटाफट इसे बाउल में निकाल लेते हैं। हमने जो अनियन और ग्रीन चिली चॉप करके रखे थे उसे थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा इसे भी ब्राउन करना है हमें। वंस इट्स डन ऐड टमेटोज, और हमारे पास टाइम कम है, हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, तो इन द मीनवाइल हमें फटाफट अपने सैलेड को भी रेडी करना है। और हमने यहाँ पे ये कट किया, और ये जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है इसे भूलना नहीं है गाइस, ओके। वैसे तो पता गया मुझे खीरा छिलके के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा इसे पील ऑफ भी कर लूँ। और ये मस्त मेरी देख रहे हो आप कटिंग स्किल्स, पता नहीं ये वाले गाजर इतने हार्ड होते हैं, ये कटते ही नहीं हैं। पहले मैं इसे गोल गोल काट रही थी, फिर जब मेरे से वो इतना हुआ नहीं तो अपने हाथ को बचाते हुए मैंने इसे बिल्कुल लंबे लंबे पीसेस में काट दिया।
चलिए अपनी रफ्तार और बढ़ाते हैं और फटाफट इसमें चिक पीस डालते हैं। और इसी के साथ एक चिक पीस नीचे गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, बचोगे कैसे तुम। एक और गिरा और फटाफट इसमें जाएगा पनीर और मेरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मसाले। थोड़ा नमक और ही डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। तो और ये गया हमारा नींबू स्वाद अनुसार। छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एकदम निचोड़ लेना है इसमें से। और आप हमारे शेफ स्किल्स तो देख ही सकते हो। देख रहे हो क्या मस्त बना रही हूँ मैं। सैलेड मैंने कर लिया इन दो छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक। फटाफट हम अपना ये वाला सैलेड भी बड़े से लंच बॉक्स में पैक कर लेते हैं। देख लो क्या धुआं निकल रहा है। ओहो हो हो, गर्मा गर्म। पहले तो मेरा मन किया मैं भी बैठ कर खाऊँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे को रेडी भी तो होना है। तो चलिए ढेर सारा पनीर भर लें इसमें फॉर प्रोटीन। और एंड में फिर से स्वाद अनुसार नींबू। एर इट्स रेडी। डब्बाज आर रेडी गाइस। हमारा डब्बा हो चुका है रेडी। इसमें है ग्रीन सैलेड और इसमें हमारा चिक पी और पनीर सैलेड। फटाफट मैं जाती हूँ रेडी होने, बिकॉज अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हैं मेरी कैब आने में। मेरे को फटाफट शायर लेना है, फटाफट रेडी होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज। एंड ऑल्सो जो जो लोग डब्बा लेके जाते हैं ना ऑफिस में, या फिर जो थोड़ा हेल्दी डाइट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आई नो मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मैं डेविएट हो जाती हूँ, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जिनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि हाँ लंच में हम कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे, हमें थोड़ा सा हेल्दी ऐसे स्नैक या डाइट पे जाए, डू शेयर विद देम एंड बाय बाय, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऑफिस।